वहीं छत्तीसगढ़ में इन दिनों केंद्रीय मुद्दों पर ही सियासी पारा गर्म है। पहले ईडी की राहुल से पूछताछ पर राजनीतिक पारा चढ़ा और अब अग्निपथ पर सूबे की सियासत सुलगने वाली है। कैसे और क्यों, इस रिपोर्ट में आप देखिए। छत्तीसगढ़ में अग्निपथ पर सियासत, कांग्रेस के धरने से बढ़ेगी टकराव। मुद्दे भले ही केंद्रीय हो, लेकिन सही मायने में ये सूबे की सियासत को सरगर्म रखने की ही एक रणनीति है। एक ओर विपक्ष स्थानीय मुद्दों पर अपनी धार बढ़ाने की कोशिश में है, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष केंद्रीय मुद्दों पर बीजेपी को बैकफुट पर रखने की कवायद में जुटा है। ईडी की राहुल से पूछताछ पर सूबे की सियासत सुलग ही रही है कि अब अग्निपथ के जरिए केंद्र और बीजेपी पर दबाव बनाने की तैयारी है। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस पहले से तो थी ही, अब विरोध की चिंगारी को बड़े शहरों से छोटे शहरों और कस्बे तक ले जाने की तैयारी है। सभी 90 सीटों पर कांग्रेस धरना देगी। 27 जून को सभी विधायक अपने इलाके में धरना देंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुटाने की रणनीति है। मतलब ये कि कांग्रेस अग्निपथ योजना के विरोध को अब व्यापक करना चाहती है, ताकि एक पंथ से दो काज हो जाए। पहला ये कि केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस की सक्रियता दिखे, दूसरा ये कि प्रदेश में बीजेपी को एक्टिव रहने का मौका नहीं मिल पाए। इस योजना के माध्यम से देश के सीमाओं के साथ खिलवाड़, फौज के साथ खिलवाड़ और नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया, जिसका विरोध हम लोग लगातार कर रहे हैं। और जंतर मंतर में भी धरना दिए और अभी 27 तारीख को प्रत्येक विधानसभा में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मैं खुद भी पाटन विधानसभा में रहूंगा, अपने विधानसभा में सबको रहना है, मैं अपने विधानसभा में रहूंगा, सारे विधायक अपने अपने विधानसभा में, जहां विधायक नहीं है वहां फिर पार्टी के पदाधिकारी ये लोग जाएंगे, लेकिन अपने अपने विधानसभा में सब रहेंगे। ये देश के सुरक्षा को लेकर, देश के नौजवानों के भविष्य को लेकर खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। बेरोजगार नौजवानों को गुमराह करने का काम कांग्रेस कर रही है। छत्तीसगढ़ का बेरोजगार नौजवान पूछता है, अपने घोषणा पत्र में 2500 रुपए देने का जो वादा किया था बेरोजगारी भत्ता, उसके बारे में क्या कहना भूपेश बघेल जी का। छत्तीसगढ़ का किसान पूछता है कि चुनाव के पहले आपने वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल का बोनस नहीं दिया, मैं बोनस दूंगा। छत्तीसगढ़ का किसान पूछता है, नई राजधानी का किसान पूछता है कि मेरे को मुआवजा क्यों नहीं दे रहे। जवाब दे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी। उत्तर प्रदेश में जा करके जब वहां पर किसान की हत्या होती है, वहां पैसा बांट करके आते हैं 50 लाख रुपए, और छत्तीसगढ़ के किसान को 5 लाख रुपए देते हैं। छत्तीसगढ़ का किसान पूछता है ये दोहरी सहजता, दोहरा मापदंड छत्तीसगढ़ की जनता के साथ क्यों? खाली अपनी राजनीति चमकाने के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों का शोषण, छत्तीसगढ़ की सरकार की जनता का पैसा का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी कर रही है। छत्तीसगढ़ का इसमें कोई भला नहीं होने वाला। कांग्रेसी नेताओं के मुखर रहने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। मसलन 2023 में अब समय कम है, केंद्रीय मुद्दों पर सक्रिय रहने से आक्रामकता रहेगी, धरना प्रदर्शन के बहाने कार्यकर्ता सक्रिय रहेंगे, जनता को गतिविधियां पता चलती रहेंगी, बीजेपी स्थानीय मुद्दों पर मुखर है, विपक्ष के सवालों से किरकिरी हो सकती है, मुद्दों को तूल देने की कोशिश है ताकि बीजेपी को हावी होने का मौका ना मिल पाए। यानी सुर्खियों में भले ही केंद्र के मुद्दे हो, लेकिन सही मायने में ये 2023 के जंग की पटकथा है। माना जा रहा है कि 2023 तक प्रदेश की राजनीति इसी ट्रैक पर चलेगी, कोई सवाल उठाएगा तो कोई काउंटर करने की कोशिश करेगा, ताकि एक दूसरे से आगे निकलने की रेस यूं ही चलती रहे। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और अग्निपथ योजना की विरोध की आंच छत्तीसगढ़ में तेज हो गई है। यही कारण है कि दिल्ली में धरना प्रदर्शन के बाद अब छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा क्षेत्रों में धरना दिया जाएगा।
जहां जहां कांग्रेस के विधायक हैं वहां विधायकों की अध्यक्षता में और जहां विधायक नहीं हैं वहां पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। लेकिन इस मामले में बीजेपी सरकार पर और सत्ता पक्ष पर ही सवाल खड़े करते नजर आ रही है। बीजेपी अग्निपथ और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को सही ठहरा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि धरने की आड़ में आगे की सियासत हो रही है। 2023 के चुनाव की लामबंदी है जिसके एजेंडे में केंद्रीय मुद्दे हैं। और आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। 1977 के विधानसभा चुनाव में विधानसभा सीटें बढ़ गई थी। विधानसभा की सीट 296 से बढ़कर 320 हो गई थी। इस चुनाव में कांग्रेस बहुमत से दूर हो गई थी। पहले के सभी चुनावों से कांग्रेस को कम सीटें इस चुनाव में मिली थीं।